सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मैच में चौथे दिन ही घुटने टेक बैठी है। विराट ने मैच के बाद माना कि हालात को देखते हुए अंतिम 11 खिलाड़ियों के चयन में भारी भूल हुई है। दूसरी पारी में भारत सिर्फ 130 रन बना पाया। इस दौरान रविचंद्रन अश्विन पहली और दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पहली पारी में उन्होंने 29 जबकि दूसरी पारी में नाबाद 33 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में मुरली विजय और लोकेश राहुल की सलामी जोड़ी पूरी तरह से असफल रही। मुरली विजय दोनों पारियों में शून्य पर आउट हुए जबकि लोकेश राहुल 8 और 10 रन बना पाए। इंग्लैंड के खिलाफ मिली लगातार दूसरी हार को लेकर जब कप्तान कोहली से सवाल किया गया तो कोहली ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह हमारी टीम के लिए एक शर्मनाक हार रही। इसके बाद विराट कोहली भावुक हो गए और धोनी को याद करते हुए कहा कि धोनी जैसे खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था। जब धोनी हमारी टेस्ट टीम में थे तब नंबर 6 या 7 पर आकर टीम की बुरी स्थिति को संवार देते थे। उनके संन्यास के बाद टीम के लिए स्क्रम पर कोई भी बल्लेबाज फिट नहीं बैठ रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।